नमस्कार, जय हिंद। फौजी बाबा चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ खबर मुझे पता लगी, मैंने देखा फेसबुक पे, काफी दिनों से चल रहा था कि एक युद्ध सम्मान जो राशि है वो जो 1971 और 65 जिन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया था उनको मिलेगी, और जो विडोज हैं उनको भी मिलेगी, उनकी फैमिलीज को भी मिलेगी। तो बड़ी अच्छी खबर लगी, पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि जो सरकार ने 71 और 65 के शहीदों को भुला दिया है और उनकी याद में कोई फंक्शन भी नहीं हो रहा, और पवन के फंक्शन भी बड़े छोटे लेवल पर करे जाते हैं। गोल्डन जुबली भी जो 71 की वॉर की थी बड़े छोटे लेवल पर मनाई गई, जबकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत की कि एक मुल्क को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया था। तो यकीन नहीं हुआ कि इस तरह से सरकार 15 लाख देगी। तो एक लेटर इशू हुआ यहाँ पे, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर से एक लेटर इशू हुआ जो 2 अगस्त को, जिसमें ये कहा गया कि 15 लाख मिलेंगे युद्ध सम्मान 71 और 65 की लड़ाई वालों को। तो आप अपने पर्टिकुलर भेजिए, वेरीफाई कराइए, सब कुछ करिए, एक फॉर्मेट भी दिया गया। तो ये लेटर काफ़ी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी हुआ, और इसमें जो एक मई 2024 के जो लेटर का हवाला भी दिया गया जो मिनिस्ट्री की तरफ से था। कुछ दिनों बाद एक दूसरा लेटर पब्लिश हुआ कि नहीं, ये लेटर में अमेंडमेंट है, और जो 2023 में हमारे पास ऑलरेडी नाम आ चुके हैं और 125 नाम है वो अप्रूव्ड है, तो ये राशि सिर्फ उन 125 लोगों को मिलेगी जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही या किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला। एक तरह से उम्मीद जगा के बाद में ऑलरेडी जब नाम डिसाइड थे 125, तो फिर इस तरह से लेटर सर्कुलेट करके लोगों की भावनाओं के साथ, सैनिकों की भावना के साथ जो आज बहुत अपने 70s की एज में कम से कम है, उनकी भावनाओं के साथ खेलने की क्या जरूरत थी इस तरह का लेटर इशू करने की। ये एक बड़ा यानी भद्दा मजाक हुआ उन युद्ध के सेनानियों के साथ जो इन्होंने एक उम्मीद के साथ सोचा कि शायद सरकार हमें युद्ध सम्मान के रूप में कुछ राशि देगी। तो देखते रहिए हमारी वीडियोज़, अगर पसंद आई शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।